और मनु एक बार दोनों हाथों को उठाकर जयकार हो रहे सभी लोग। बोल श्री भंगना जी महाराज की, श्री बाबू जी राठौड़ की, श्री तेजा जी महाराज की। तो अपने बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से अभी तुलसी सिंह जी ने यह प्रस्तुति दी। इसी आप सब लोगों को विदित होगा, काफी देर से युवा इंतजार कर रही है। और कि रविंद्र सिंह जी और उमेदाराम जी बेनीवाल जी, और ये कब आएंगे मंच पर, ये सबको इंतजार है। वो घड़ियां अब ज्यादा लंबी देर तक टिकने वाली है नहीं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं, और इसी कड़ी में अभिजीत सिंह जी करवाशा को मंच पर आमंत्रित करते हैं, और कि वो सुनित शब्दों में अपना उद्बोधन दे। सबसे पहले मैं इस जाजुआ की धरती पर अमर भूमिया जी जोहार सिंह को कोटि कोटि प्रणाम वंदन करता हूं। इसके बाद आज इस भजन संध्या में हमारे धर्म की ध्वजा को हरी रखने वाले भंगवा वैसी संत महात्माओं को मेरा सादर प्रणाम वंदन। आज इस भजन संध्या में मंच पर विराजमान मेहमान भोम सिंह जी तांबड़िया भोपालगढ़ से, जैना निवास विश्वविद्यालय के मेरे छात्र है छोटे भाई रविंद्र सिंह भाटे, आपकी उम्मीदों के उम्मीद आदरणीय बड़े भाई साहब उम्मीद राम जी बेनीवाल साहब, मंच पर किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो माफ करना, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्यादा तो मैं समय नहीं लूंगा, समय की कमी है, पर जब भजन संध्या हो और राजनीति की बातें ज्यादा नहीं करूंगा मैं। समाज के अंदर देखा जाए, मैं आपके पड़ोस में ही भणियाणा की धरती से बिलोंग करता हूं, वह भणियाणा चौधरी खट्टराम जी के नाम से जाना जाता है और उसी शिक्षा के अंदर एक पहचान है। ऐसे कर्मवीर, समाज के उद्धारक, शिक्षा के प्रतीक हमारे परम आदरणीय सरदेव स्वर्गीय खट्टराम जी को मैं सत सत नमन करता हूं। और ये मालाड़ी, इस मालाड़ी की धरा के किसान के बेटे जो मेरे छोटे भाई, उनको ज्यादा ध्यान नहीं है, पर जो पगड़ी धारी या बुजुर्ग बेटे हैं, उन्होंने क्या देखा होगा शिक्षा के लिए, और खट्टराम जी ने उस टाइम के उस कंडीशन के अंदर हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया है। और आज इस मालाड़ी के अंदर, बाउटू के अंदर, सही शिक्षा के अंदर हो, अपने खमीसियरे पया रवा पया देवड़ा, एड़ी उम्मीद सरकारी विराजमान रहे हमारे हरीची चौधरी साहब, भले कैलाशी चौधरी साहब रहे हो, पर ऊपरले पोकड़ियों पया काटना कितना देना वे अपन ठाए चाहे ढाबे मत बोन 10 रुपया देना कितना औंधा होया करे। वो आदमी आपने वास्ते, आपने बच्चों का भविष्य बनाने वास्ते, और इन समाज के वास्ते, समाज के उद्धार वास्ते, शिक्षा के वास्ते, अपने बच्चों ने पढ़ाने वास्ते आपने पॉकेटियों इतना इतना लाखों रुपया दे दिया है, पर वंगो सूत समेत ब्याज उदा और ऋण चुकावने आपने आने वाली टाइम में मैं विरोध रिजी भी नहीं करूं, नहीं कैलाश जीरो करूं, पर ध्यान रख जो ए मंडली आड़ले पाड़ी भी चीज नु विशेष तौर ध्यान आ गयो कि आप रो नेतो आप रो स्वाभिमान है, और आपने कने बिना किसी कार्यकर्ता ने सीधे मोबाइल माते कौम है के मारो भाई कौम है साहब मारो काम कराओ, और एड़े उम्मीद एड़े नेतेरा आपनो सपोर्ट करना है,
एड़ा नेता ने नहीं करना है कि आप तमड़ी साहब करो कुत्तो बांधुड़ो है कुत्तो से सावधान। अरे चमचा जी आवे दूजा कोई आवे रुको 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 साहब बैठा है साहब बैठा है। एड़ा नेते रो काम करना के फलाना राम जी आ रहा है फलान सिंह जी आ रहा है या फलान खैन जी आ रहा है तो नेताजी बारे आओ आओ साहब पधारो गणे मान आप रो स्वागत है। अब हुक्म करो आप रो कई कौम है और भी उम्मीद मारे खड़ो उतरे भी नेता ने चुनना है ज्यादा व्यक्तिगत रूप हो कि नहीं प्रचार री बात नहीं कहूं पर हम जनाने सरो कापी क्यों हैं समझदार है। देखो रात रात तीन चार बजे तक बैठे रह सके मैं सब चीजें ने समझे क्या बॉडी क्या कंडीशन है अपने कहीं समझना है। अगर अगलो पिने बुले माते धोने में आ जाए अपने छोटी मोटी जागरण में आ जाए बिना कोई प्रोटोकॉल आवे और ईदो आओ तो बूढ़ियों ने परिणाम करें छोटो ने रमा समा कर ले एड़े नेता ने अपने उम्मीद रहते जीव तो राखनो है। ज्यादा चीजोरी बात तो है नहीं मैं छत्र राजनीति हूं भिणियाने गांव जा जोधपुर खतराम जी बाबे आशीर्वाद हूं जोधपुर में रहो और बाड़मेर जैसलमेर विशेष लगाव रहो क्या भिणियाने धरती पहला भी माला नहीं रहो जीव तो जाग तो उदाहरण रेवड़ो है। और भाई तू विशेष लगाव यो भी है क्या बोर्ड डिपार्टमेंट मौको भाई तू दिनो तो मारो विशेष लगाव रह गई हूं भी लगाव रहा था जोधपुर विश्वविद्यालय आने वाले मेरे गरुड़ पर हर भाइयों का। देखो नेतो तो मनो मोटो नहीं बढ़ियो पर एक कार्यकर्ता के तौर पे हर एक व्यक्ति का मैं साथ दूंगा और भविष्य में भी आगे दो तीन पर मारी उम्मीद है। मैं बड़ी जेएनयू में थोड़ी मदद वास्ते हाजिर रहूंगा मैं पढ़ाइया पूरी कर ली दो तीन तालीमों में मैं डिग्री कर ली एमए कर ली है बीए कर ली है अब कोशिश आके दो तीन पर थोड़े वास्ते संघर्ष करूंगा थोड़े छोटे भाइयों वास्ते। तो आप कभी आवो जेएनयू के अंदर तो आप रो भाई अजीत सिंह कड़वासरा एकदम हाजिर में लेला फोन कर लीजो और थोड़ा काम नहीं हुए तो कड़ी मंच माते हिलो कर तो भाषण या छोटी मोटी हरकतों करता हूं नहीं तो उन कह दीजिए भाई ठहर जाए ज्यादा बकवास मत कर बाकी चीजों तो कहीं है कौन नहीं। एक मारी समाज हूं आज ये कोई वीडियो सोशल मीडिया माते बैठो ए यूट्यूबर लतियों ने ज्यादा भाव मत दिया करो ए लतिया ए अपने समाज ने इतना गिरा चुके है। मैं समाज की विशेष तौर जाट समाज या राजपूत समाज या नाई ब्राह्मण कोई बढ़िया किसी कंडीशन में या खान साहब किसी समाज की बात नहीं करूं जड़े कोई बहन बेटी गलत पग उतक जावे कोई परिवेश हो कोई कंडीशन हो ए लतिया लारे जान यार धारे भाई कहीं हो इन्हें कर्म भूटिया जन हटाई पर तू मंगता क्यों मरियो लारे ध्यान ना जियो एड़ा लतिया ने विशेष तौर ध्यान ना जियो मारे इंटरव्यू देवनी कोई पीड़ गोरे भले मारे बहुत जावे आ गई ठीक है तो विशेष तौर ध्यान ना जियो बहन बेटियों की इज्जत अपने राखनी है तो अपनी बहु वह अपनी बेटी है और अपनी बेटी आगले घर की बहु नहीं भाभी आगले घर की बेटी आ चीज ध्यान रखो ले अपने समाज उद्धार रख जो अपनी बेटी हारे जावे ना पो कहो सा इन नहीं तो बाप आपड़ी ने रोटी कौन करनी हो हा कौन करनी हो। अरे तो ओई ने कहीं ही कहे थे भी परी पढ़ाई 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 और कलेक्टर बने ठा पड़ जाए वैसे ही घड़े लारे दो चार चमचा फेरी भाइयों आ हमदारी री बात है और बूढ़िया जगह विघन भुगतिया है नी जितना भुगतिया है नी ए मारा भाई उगाड़ में आती तीन विशेष तौर ध्यान राखियो अपो चमक दमक और डेकोर हमने लारे दो मिनट रो तन सुख भुगतन वास्ते अगर समाज ने समाज के किसी बहन बेटी को अगर दोग दर देते हो और गलत रास्ते पे देते हो तो भाई ध्यान राखियो काले अपनी भी बहन बेटी गठे रास्ते में जा सके। जको आदमी अपने अपनी खुदरी नहीं समझ सके वो दूसरे परिवार रो कदी नहीं हो सके जकी भाई अपने मां बाप री नहीं हो सके तापड़िया जी के जको आप रो फमदरी नहीं हो सके और घूमटे में रहने भी परिवार इज्जत नहीं कर सके एड़ी भाई न्याल करनाली ना तो मैथन है न हारियो पीरियो ने है और ना लतिया लता भैया की नहीं है। और दूसरी चीज समाज में छोटी बात कहूं बड़ी बात मत मान जो क्योंकि कई लोग नाराज भी हो वाला मारा भाई नसो पत्तो करे ध्यान रख जो नसो पत्तो करे ए बोतल वाला कोई नाराज मत हो जो ई मात माने कोई जरा विरोध भी नहीं है क्यों टेप बेटे हर चीज अपनी जगह काम आया करे ए थोड़ा अमल रे मत ज्यादा कमजोर राखियो मैं कदी कदी सभा में जाऊं कोई मनवार कदे होगन हाथ मारे भी कोनी हो मार कर ला पर ध्यान रख जो ए मारा नैना नैना भाई भी बहुई बरगा तेवी बरगा
अंगलियां चार चाट कई चस्का पैदा करना चाहे ए भैया ध्यान ना गयो थारी जिंदगी रबट्टा लगना स्टार्ट पॉइंट हो गयो है। और ये बूढ़िया जितना भुगत रिया है इनकी आंखों के अंदर आपका वजूद आपका उत्तर टाइम देखना चाह रहे हैं। और फे कटी बवड़िया मां बैठा हो कटी झोंपड़िया में बैठा हो और बटकी हम्बाड़ो कटी कटी मारो भी फोटो आयो वाला पर ध्यान डाक जो मारो ही तो ये हो मार मंगलवार कदी कदी जोया करे हतो दिन काट दिया तो ब्याह बीच जेला ढोनी उड़ जेला ए खमद राजा दार भाई रेवण वाली दिए ए रोज आगलो नावणो करणो भागणो बुढ़णो ए थोरा ही परिणाम है दूजो किंगो ही नहीं दोष है। ज्यादा कहूं नहीं कोई गलत कह दियो है तो माफी चाहू पर कहो है नहीं मारा शब्द कड़वा जरूर है पर खराब नहीं आ ध्यान राखजो मारे समाज वालों 36 कौम अरदास है कदी छिटा कसी मत करजो कदी सोशल मीडिया में देखो क्या फलाने जाट री बेटी फलाने लाड़ नाएगी फलाने ठाकर साहब री बेटी फलाने लाड़ नाएगी अरे गेलो ध्यान नाको नी ढोणी आली री आकिंग लाड़ नाएगी तो अपो कहीं करो क्या मुंडो खाडो रे बेसरमो कदी समाज रे माते 36 कौम को साथ लेके चलना किसी बिरादर को बंटवारे के लिए नहीं छोड़ना है। पूरे तन काल में देखा जाए अपो तो हमें पैदा पनप्या होने खासा लौट हो गया वाला पर ध्यान रखे बीन टेम ठाकर टेम होती मोटा मोटा ठाकर होता मोटा मोटा रावला होता बीन टेम ही हमें बूढ़े धोड़े मातोले चादर बीन टेम है सब इज्जत होती और ठाकर साहब के तो न्याय कौन करेला न्याय चौधरी करेला और चौधरी मारा कोई जाट भाई चौधरी मत बन जियो चौधरी बहुत बड़ी पदवी होया करे जितनी बड़ी पदवी होया करे नी वो भी तो मेरा सम्मान होया करे अपने भी पकड़ी री नाद रखनी है और समझदारी काम करना है। तो आगे ज्यादा कहना टाइम नहीं लेना चाहिए रात्रि 4 बज गई है और समाज रे मेरे जो छोटा भाई है नी मैं विशेष तौर हुई बात ने ध्यान रखियो और बूढ़िया कई टाबर गलती करे नी तो बढ़िया झोपड़े में रोड़न बढ़िया पहल दीजो कोई तकलीफ नहीं है। एक बार पहले लो तो जिंदगी में थोड़े नाक बढ़ाने थारो माथे धोड़ो पोतियो नहीं लोगों ने चरणम नहीं देला बाकी पंच तो हमेशा बट काटने रोला मैं पंच और पंचायती के खिलाफ हूं एक पंच के वाला उन्हें करो एक के वाला उन्हें तीजड़ो ले जा झोंक दो बेरे ने मोह और पड़े रो तो रही गांव में उड़ते सूरज ने हमेशा दबाने की कोशिश करिया करे एड़े कोई छोरा उड़ता हुए तो थोड़े भले कणो भोंग दियो माठ भोंग दी विरोध हो गया वाला पर भी छोरे ने आटा उड़ाने कोशिश करो कदी न कदी होड़ी टेम में आप रो काम होला बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद मेरे को मंच में आप सभी ने टाइम दिया उसके लिए तमाम को साथ प्रणाम। हेलो मैं देखियो सेल ग्योड़ा है सेल मन लागे मारे ग्योड़ा है तो बेबाक तरीके से अजीत सिंह जी कड़वास रात अपनी वाणी रखी उन्होंने कहा कि उन्होंने कई 2-3 कोर्स में उन्होंने डिग्री पूरी कर दी उन्होंने तालीम को तकसीम के साथ हासिल किया कभी बादशाह की फितरत तो नहीं रही हाँ हुकूमत कॉलेज के अंदर चलना चाहिए और ये उन्होंने जरूर सोचा होगा। और मैं इस बीच रत्नाराम जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों से लाभान्वित कराए उससे पहले मैं रविंद्र सिंह जी और उमिंदर राम जी बेनीवाल साहब से कहना चाहूंगा कि आप अपना वक्तव्य है वो थोड़ा सा खींच के उठा के बेहतरीन तरीके से दे ताकि यहां पर नौजवान इतनी देर से इंतजार कर रहे थे उनका बेबाक तरीके से उसका आनंद उठा सके इसमें कोई वो कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल रत्नाराम जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने शब्दों से लाभान्वित कराए। रत्नाराम जी जाखड़ पूर्व सरपंच स्वाऊपदम सिंह